हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही 4 नंबर के कार्ड्स हैं और 4 नंबर कहीं फाउंडेशन की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता है, कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि या तो एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। और देखिए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए, चार्ज अपने हाथ में लेते हुए, फिर से मैं कहूंगी आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आप लीड लेते हुए दिख रहे हैं। और पीछे अगर चीजें बहुत ही हैपहैज़र्ड मैनर में चल रही थी, तो इस वीक एक डिसिप्लिन आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक डिसिप्लिन आ रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल तरीके से भी आप चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, मन ही मन एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी किसी लेवल पे आपको मिल रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी लाने के लिए अगेन आप एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं, और कोई भी सपोर्ट, कोई भी कोऑपरेशन अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए, आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स एंड होप के कार्ड्स हैं। और देखिए, होप का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज को लेकर होपफुल होने की या फिर उम्मीद के जागने की भी बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज को लेकर आप मायूस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आप चीजों को डील करें, कहीं आप डायरेक्शनलेस भी महसूस कर रहे थे, या फिर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड अगर आपका रह रहा था, तो इस वीक उसी चीज से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कहीं यू नो आपको एक डायरेक्शन दिखती हुई दिख रही है, उम्मीद जागती हुई दिख रही है, आप काफी होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी मन ही मन रहता हुआ दिख रहा है। और सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप किसी चीज को लेकर या फिर इन जनरल रह रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये किंग का कार्ड है तो मैच्योर इमोशंस, मैच्योर सेंटिमेंट्स ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने क्लोज वंस, अपने लव्ड वंस के लिए या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से बहुत एक लव अफेक्शन आपको मिल रहा है। और देखिए, फैमिली रिलेशनशिप्स आपके लिए प्रायोरिटी रह सकते हैं, और कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे भी आप ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर इस वीक रह रहा है। तो देखिए, ओवरऑल ही ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है। तो
देखिए जहाँ पे चारों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको अभी कहा भी कि ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए, दोनों फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, वहीं देखिए किसी चीज़ को लेकर मन ही मन एक फियर इनसिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएं कैंसेरियंस, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं एनर्जीज में से आप अपने आप को बाहर निकालें, या फिर इस चीज़ को चेक करके आप करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जो फियर्स होते हैं ये 85% बेबुनियाद होते हैं, हमारे ही माइंड की क्रिएशन होते हैं, जिनकी वजह से जो भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं हम उनको नहीं एंजॉय कर पाते हैं। जैसे कि देखिए सूरज के सामने जब घने काले बादल होते हैं तो वो सनलाइट हम तक नहीं पहुंच पाती है, कहीं यू नो वो रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे ही हैप्पीनेस के ऊपर फियर एक काला बादल होता है जो हम नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूंगी कि इन फियर्स को आप ओवरकम करें, और मैंने हमेशा कहा है कि बेस्ट तरीका इन फियर्स को ओवरकम करने का है आप पॉज करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें और उनको क्वेश्चन करें। ऐसा आप करेंगे तो ये फियर अपने आप ही गायब हो जाएंगे, और जो हैप्पी एनर्जीज इस वीक हैं आप उनको भी पूरी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरण का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर या फिर ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।